बायतू थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में बढ़ रही बकरी चोरी की घटनाओं को लेकर बुधवार को क्षेत्र के ग्रामीणों ने बायतू थाने का घेराव किया। ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए बकरी चोरी की वारदातों का खुलासा करने और चोरों को गिरफ्तार करने की मांग रखी। रालोपा प्रदेश महामंत्री उम्मेदाराम बेनीवाल के नेतृत्व में किए गए थाने के घेराव के दौरान भारी पुलिस बल तैनात किया गया। उपखंड अधिकारी और पुलिस ने ग्रामीणों से वार्ता कर 15 दिन में आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। बायतू क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में लगातार बढ़ रही बकरी चोरी की घटनाओं से क्षेत्र में ग्रामीणों एवं पशुपालकों में भयंकर रोष व्याप्त है। वहीं बकरी चोर गिरोह को पकड़ने में स्थानीय पुलिस भी कोई खास रुचि नहीं दिखा रही है। बकरियों की चोरी की आहत घटनाओं से ग्रामीणों एवं पशुपालकों ने बुधवार को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश महामंत्री उम्मेदवार बेनीवाल के नेतृत्व में और बायतू थाने का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया। करीब 5 घंटे तक चले विरोध प्रदर्शन को लेकर बायतू गिड़ा और नागाना पुलिस ने मौके पर हालात संभाले। वहीं उपखंड अधिकारी राजेश सिंह आशिया, पुलिस उपाधीक्षक जग्गूराम पूनिया ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को बकरी चोर गिरोह का जल्द खुलासा करने का आश्वासन दिया। स्थानीय ग्रामीणों की माने तो पिछले 2-3 माह से बायतू क्षेत्र में विभिन्न गाँवों और ढाणियों में 400 से अधिक बकरियों की चोरियां हुई है और बकरी चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। अज्ञात चोर बाड़े में रखे पशुधन को रात में चुराकर फुर हो जाते हैं। बढ़ती पशुधन की चोरियों को लेकर ग्रामीणों ने कई मरतबा पुलिस को अवगत करवाने के साथ लिखित शिकायतें दी, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। रालोपा नेता उम्मेदवार बेनीवाल ने बताया कि बायतू क्षेत्र के अधिकांश लोग पशुपालन से अपने घर का गुजर बसर चलाते हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों से अज्ञात बकरी चोर बकरियों की चोरी कर ग्रामीणों एवं पशुपालकों को काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है। कई मरतबा प्रभावित लोगों ने पशुधन की चोरी के बाद पुलिस को रिपोर्ट भी सौंपी, लेकिन पुलिस उनकी रिपोर्ट पर मामला तक दर्ज नहीं कर रही। ऐसे में वारदातें लगातार बढ़ रही है और पशुधन पर निर्भर ग्रामीणों का आजीविका चलाना भी अब मुश्किल हो रहा है। पिछले दिनों से लगभग 1-1.5 महीना से बकरी चोरी की घटना बहुत ज़्यादा हो रही है बायतू क्षेत्र के अंदर। उसके संबंध में ये धरना और विरोध प्रदर्शन था और इसके संबंध में ज्ञापन दिया और इनको अल्टीमेटम दिया कि 10 दिन या 15 दिन के अंदर घटनाओं का पर्दाफाश नहीं होता है तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। और ये एक निम्नतम घटना थी, मतलब इससे नीच कोई कार्य हो नहीं सकता। तो ये सबके लिए एक हल्की बात है, पूरे क्षेत्रवासियों के लिए और विशेषकर पुलिस महकमे के लिए, कि बकरी चोरी से नीचे कोई काम हो नहीं सकता है। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने उम्मीदवार बेनीवाल के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंप कर बकरी चोरी के मामले में खुलासा करने और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है, जिस पर पुलिस उपाधीक्षक जग्गूराम पूनिया ने आवश्यक कार्रवाई करने और बकरी चोरी के मामलों का जल्द खुलासा करने की बात कही है। प्रदर्शन के दौरान किसान नेता कृपाराम गोद्वारा कोलू, कल्याणपुरा ब्लॉक अध्यक्ष थान सिंह राजपुरोहित, गिड़ा ब्लॉक अध्यक्ष बांकाराम डेलू, गोरखाराम हुड्डा, पेमाराम हुड्डा, ओम प्रकाश काकड़, प्रशासन की ओर से तहसीलदार इमरान खान, बायतू थानाधिकारी ललित किशोर, गिड़ा थानाधिकारी जयराम, नागाना थानाधिकारी समेत क्षेत्र के ग्रामीण और पशुपालक बड़ी संख्या में इस धरना प्रदर्शन और थाने के घेराव में मौजूद रहे।